मोए मोए हो मोए बहुत सारा पोस्ट सारे बेल चार घंटे के लाइन के बाद हर हर महादेव हर महादेव। तो भाई साहब फाइनली हम लोग कार में बैठ चुके हैं और अभी क्या डिस्कस कर रहे हो पहले ब्लॉग चालू है तुम डिस्कस कर रहे हो मोए 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 मतलब डिस्कस कर रहा है। तो भाई अभी जा रहे हैं हम लोग त्रिम्बकेश्वर पहला कार में सब दोस्त लोग है मजा आ रहा है भाई गजब का और गाना सुन के जा रहे भगवान का और विशाल है मेरे साथ। तो भाई साहब अभी और भी लोग हैं उन लोग से मिल लो क्या बोलते हैं अनुप टोली बना रहे हैं भाई बहुत बिजी है वो तो और ये भाई हम लोग टोटल 5 जन है तो अभी निकल चुके हैं। तो भाई साहब फाइनली हम ये जगह पे आ चुके हैं क्योंकि आप जगह देख सकते हो ये जगह कैसा है कि अपनी कार खड़ी है जिस कार से हम लोग आए तो काफ़ी टाइम हो गया यार तो भूख लगी बहुत जोर का तो सोचे थोड़ा नाश्ता वगैरह हो जाए और नाश्ता होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो वहाँ त्रिम्बकेश्वर मतलब एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि वहाँ हम दर्शन करेंगे फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर हम जाएंगे तो भीमा शंकर। तो आई थिंक 2 से 3 दिन का ट्रिप ये होने वाला है तो बहुत मज़ा आने वाला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल अच्छा लग रहा है तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर आकाश भाई तो सब लोग रेडी है खाने के लिए बहुत जोर का सबको भूख लगा है सेड़ा पे हम लोग ने रुका है इधर ही खाएंगे तगड़ी जगह है आपको जगह दिखाता हूँ। बैटरी है ना तो भाई साहब फाइनली खा पी के हो चुका है मस्त खाना पीना एक नंबर था यार जबरदस्त खा पी के हो चुका है तो अभी पेट भर गया तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तो गाड़ी रेडी है भाई चेक भी कर लिया सब भाई लोग निकलते जबरदस्त चलो ठीक है चलते हैं अब फटाफट लेट हो रहा है चलो। लगेज तो बहुत ज्यादा है यार सब देख लो इधर लगेज पूरा भरा पड़ा है। सब फाइनली हम लोग ये जगह पे आके रुके थोड़ा मतलब काफ़ी सुबह से ही गाड़ी कंटिन्यू चल रहा था तो सोचे कि थोड़ा गाड़ी भी ठंडा हो जाएगा। अपने को एक जगह ज़बरदस्त दिखी है क्योंकि मैं वो जगह दिखाता हूँ बहुत तगड़ी है और पीछे भाई लोग हैं तो वो शूट वगैरह कर रहे हैं फोटो वीटो निकाल रहे हैं तो अभी आपको वो जगह दिखाता हूँ बहुत तगड़ी जगह है। ओ भाई किधर ये अभी लाउडली कुछ बोलने वाला है दिख रहा है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कैसे हो मेरे दोस्तों तो बिना देरी के आपको मैं फटाफट दिखाता हूँ जगह कौन सी है जहाँ पे हम लोग ने रुका है ये सामने रही यार बहुत तगड़ी है पीछे तो देखो यार बैकग्राउंड बहुत तगड़ा मतलब क्या ही है तो बहुत अच्छा लगता है बहुत सारा पोस्ट सारे अनुप अनुप कुछ अलग पहले आता तो भाई जगह देखो यार बहुत प्यारी है बहुत अच्छी है तो दो तगड़ा चौथा ना अच्छा भी हुआ यार इतना पहाड़ों में आके ऐसा तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो आप भी अगर घूमो तो यार ऐसे ऐसी जगह पे जाओ और घूमो बहुत अच्छा लगेगा कितनी शांति है। तो भाई साहब फाइनली हम लोग त्रिम्बकेश्वर पहुंच चुके हैं तो त्रिम्बकेश्वर आने के बाद हम लोग ने यहाँ पे पार्किंग लिया जो कि पार्किंग का 100 रुपीज़ है। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर है जो चल के जाना है अपने को और एक्चुअली वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है तो हम लोग कैमरा वगैरह सब कार में ही रख के जाने वाले हैं तो थोड़ा सा सीन होगा फ़ोन से वहाँ वीडियो हम लोग निकाल सकते हैं तो फ़ोन अलाउ है तो फ़ोन तो चलेगा फिर उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे तो फिर भीमा शंकर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी कैमरा वगैरह रख देते हैं कार में और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब हम लोग फाइनली एंट्री हो चुकी है त्रिम्बकेश्वर में तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए तो वहाँ पे मस्त मतलब दर्शन वगैरह करेंगे आपको भी दर्शन कराएंगे और स्नान वगैरह करेंगे। तो भाई साहब मंदिर के पास हम लोग गए थे तो एक्चुअली सीन ये हुआ कि
हम लोग को स्नान भी करना था कुंड में, तो हम लोग ने वहाँ से फिर से रिटर्न हो लिया क्योंकि अपने को घुसा है तो कुंड में तो नहाना जरूरी है, तो वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे टेम्पल में। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर पे, बोलते थोड़े ही दूर पे। तो भाई साहब फाइनली गोदावरी गंगा मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ आने के बाद मैं दर्शन स्नान करके फिर दर्शन करने वाला हूँ। ये रही गोदावरी गंगा, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो फिलहाल अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बाद में बताता हूँ, आप देख सकते हो। तो आप भी उधर उधर भीड़ कम है। हाँ चलो आ जाओ। साहब फाइनली नहा वहा के मेरा हो चुका है, नहा लिया, इसमें स्नान कर लिया, सच बोल रहा हूँ यार, मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया स्नान करने के बाद। तो अभी फिलहाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, मिलते हैं, तक ले चलते हैं और आपको मैं तब तक गोदावरी नदी दिखा देता हूँ। भाई ये बंदा थक चुका है, बैठ बैठ के जा रहा है, बहुत थक चुका है, उसके आंखों के उसके शकल से दिख रहा है, सब थक चुके हैं, चेहरे से दिख रहा है। मैं नहीं थका हूँ भाई, ये दो चश्मे वाला इंसान आपको तो पता है चश्मा क्यों लगाता है। दर्शन करते हैं, चार घंटे के लाइन के बाद हमको शिव जी का दर्शन मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग मंदिर की तरफ आ चुके हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, बट अंदर तो आई थिंक फोन निकालने नहीं देंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा इधर से ही दिखाता हूँ। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। जो भी है तेरा है, कुछ भी ना मेरा।